पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं आमरन अंसारी, आप सभी लोगों का स्टाइलिस्ट था, नाउ आइकन था, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के डे नंबर 14 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? पुष्पा इज हैविंग अ ड्रीम रन एंड गाइस, अगर ऐसे ही चलता रहा देन पुष्पा का जो डायलॉग है मैं झुकेगा नहीं साला, वो चेंज होकर उस डायलॉग में तब्दील हो जाएगा मैं रुकेगा नहीं साला। पुष्पा राइट नाउ बिकम्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन 2021 इन इंडियन सिनेमा। अभी अभी प्रोड्यूसर्स ने एक नया पोस्टर रिलीज किया है, 2021 India's biggest grosser, massive blockbuster, and that is what Pushpa is. Absolutely amazing, guys. इतना ही नहीं, अभी अभी इसके collections आए हैं, चलेगा एपिसोड शुरू करते हैं। बर्फ सबसे पहले शुरू करेंगे इसके स्क्रीन काउंट के साथ। आप सभी लोगों को पता है वीक वन में पुष्पा के पास 1401 स्क्रीन्स थे, यानी कि लगभग लगभग 1400 स्क्रीन्स थे। वीक टू में इसके पास 1500 स्क्रीन्स थे एंड कल रात को ही मैंने आपको इसका नजारा बता दिया। अब मुंबई स्टार्टिंग विद जस्ट 122 शोज राइट नाउ एज 320 शोज, यानी कि जर्सी पोस्टपोन हुई तो यहां पर पुष्पा की पार्टी शुरू हो गई एंड इसको सारे के सारे शोज मिल गए। एंड वीक थ्री में पुष्पा इज प्लेइंग एट 1600 स्क्रीन्स। कल पुष्पा की टीम ने ऐलान किया कि यस, पुष्पा हैज स्क्रीन्स मोर देन द फर्स्ट वीक एज वेल एज द सेकेंड वीक। ये बहुत बड़ी बात है। पर फ्रेंड्स, उस दिन थैंक यू स्पीच थी एंड एक चीज थी जो अल्लू अर्जुन के जितने भी फैंस है वो कह रहे हैं कि मुझे आप सभी लोगों को बताना चाहिए। अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म जो थी उनके पैसे मिले थे आई थिंक आर्या के बाद, एंड उस पैसों से उन्होंने ये 85 लाख रुपीज की स्पोर्ट्स कार खरीदी थी। जब वो स्पोर्ट्स कार में बैठे एंड जब उन्होंने स्टीयरिंग पे हाथ लगाया तब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, वो था सुकुमार। एंड उन्होंने तभी कहा कि अगर सुकुमार नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, अगर सुकुमार नहीं होता तो ये गाड़ी मेरे पास नहीं होती। एंड जो भी है वो सुकुमार को पूरा क्रेडिट देते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया एंड यही वो थैंक यू मीट जो थी उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था कि सुकुमार नहीं तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बहुत कम है आजकल जमाने में एक्टर्स जो अपने डायरेक्टर को क्रेडिट देते हैं कि मैं उनके वजह से हूँ यहाँ पर। दिस इज व्हाट अ डाउन टू अर्थ सुपरस्टार इज। फिर अब बात करते हैं किस तरह से फर्स्ट वीक में पुष्पा ने 26.89 यानी कि 26.89 करोड़ की कमाई की। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ओके। ये इसमें तेलुगु वर्जन है जो नॉर्थ इंडिया में प्ले कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे काउंट इन नहीं कर रहे हैं। एंड दूसरे हफ्ते में लुक एट द ड्रॉप, 20.20 करोड़, यस फ्रेंड्स 20.20 करोड़ कमाया एंड फर्स्ट वीक में 26.89। द ड्रॉप इज एब्सोल्युटली मिनिमल एंड ऐसा लग रहा है कि विद 1600 स्क्रीन्स पुष्पा कैन डू द सेम अमाउंट, यानी कि थर्ड वीक में भी वो यहाँ पर 18 से 20 करोड़ कमाने की पूर्ण तरीके से क्षमता रखता है। ऐसा अगर पुष्पा ने कर दिखाया गाइस, ये इतिहास बन जाएगा। एंड अभी पुष्पा राइट नाउ स्टैंडिंग एट 47.09 करोड़, यानी कि 47.09 करोड़ हिंदी में ये हिट डिक्लेयर हो गया है एंड ऑन द वर्ज ऑफ बीन डिक्लेयरिंग अ सुपर हिट एट द हिंदी बेल्ट। बात करूं गाइस थर्सडे की, तो थर्सडे को जो कलेक्शंस आए हैं वो है 2.24 करोड़, यानी कि इसका ट्यूसडे 2.40 करोड़, वेडनेसडे 2.50 करोड़, ट्यूसडे वेडनेसडे 2.40 करोड़, हायर देन द यू नो सेकेंड फ्राइडे। सेकेंड फ्राइडे वॉज जस्ट 2.31 करोड़ एंड गाइस थर्सडे इसका 2.24 करोड़। जस्ट इमेजिन द सेकेंड थर्सडे इज अर्निंग इन इक्वल अमाउंट विद द सेकेंड फ्राइडे, ये बहुत बड़ी बात है। डिस्पाइट दिल्ली बीइंग क्लोज, यस फ्रेंड्स दिल्ली भी क्लोज है, उसके बावजूद इसने इतना बड़ा कलेक्शन किया, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना ही नहीं गाइज, आज बहुत सारे स्टार्कलिंग फैक्ट्स आए हमारे सामने जिनको जरा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दर्शाता है कि मुंबई सर्किट जो है वो कितना मजबूत है। मुंबई सर्किट में इस फिल्म ने लगभग लगभग 20 करोड़ की कमाई की है। अगर यहाँ पर 50% रेस्ट्रिक्शन नहीं होता देन गाइस स्काई वुड हैव बीन द लिमिट, एटलीस्ट 35-40 सीआर मुंबई सर्किट में आ जाता। दो हफ्तों का आज इसके कलेक्शन कहीं ना कहीं 67-70 करोड़ रुपीज होते। यस मुंबई सर्किट को खुलना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने 50% का जो कैप है वो नहीं खोला। लेकिन गाइज एक जगह है जहां पर इसने पागलपना कर दिया है एंड अच्छी खासी फिल्मों को ये वहां टक्कर दे रहा है, वो है द सीपी बेरार रीजन। यस फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ विदर्भा,
of Maharashtra, the southern eastern parts of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, वहां पर इस फिल्म ने हेवॉक कर दिया है. इसने लगभग लगभग 6 करोड़ की कमाई की है. फाइनल फिगर्स अवेटेड है 2 हफ्ते में. एंड इट हैज बीटन बिग फिल्म्स सच एज साहो, मिशन मंगल, उई सर्जिकल स्ट्राइक, दबंग 3, केसी, सुपर 30. इन सारे के सारे फिल्मों को, कुछ फिल्मों को पीछे छोड़ दिया एंड कुछ फिल्मों को आगे आने वाले समय में भी ये तोड़ने वाला है. दिस इज आउटस्टैंडिंग. एंड अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में सारे सिनेमाघर खुले होते देन गाइस दिस कलेक्शन वुड हैव रीच्ड द रूफटॉप एंड स्काई वुड हैव बीन द लिमिट. एक तूफान ला दिया है एंड दिस हैज ओपन्ड अप द मार्केट. जिसको अब रिलीज करना है पैन इंडिया फिल्म, लेकर आओ, रिलीज करो. रिलीज से पहले जितना हाइप करना है करो. तुम्हारी फिल्म में दम होगा, स्टार पावर होगा, वो फिल्म में चलेगी. ऑडियंस की भूख है कि एक महामारी में एक फिल्म को लोगों ने 50 करोड़ पहुंचा दिया, जहां कि हमारी हिंदी फिल्मों को उन लोगों ने 50 करोड़ नहीं पहुंचाया. तो द मार्केट इज ओपन. आने वाली जितनी भी पैन इंडिया फिल्म्स हैं उनका स्वागत है. ऑडियंस है यहां पर देखने के लिए आपकी फिल्में. स्टे कूल मैन. तगदला.